हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज तोर, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन एक्सप्लेनर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश और दुनिया में जो भी लेटेस्ट खबरें चल रही हैं और फटाफट आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ आपको बताएंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के प्राइस के बारे में और क्या फ्यूचर लग रहा है बिटकॉइन का और क्रिप्टो करेंसी का। साथ के साथ अच्छी न्यूज़ देंगे चाइना से, कोरिया से, वीज़ा के जो सीए उन्होंने क्या कहा और कहाँ पर बिटकॉइन अब लीगल होने जा रहा है और जो हार्ड फोर्क हो रहा है सिया कॉइन का उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आपको क्या सावधानी रखनी है। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज और अपडेट आपको फटाफट मिलती रहे और आप हमेशा अप टू डेट रहें। साथ के साथ जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ट्विटर टेलीग्राम का, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि जो भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज अपडेट आपको फटाफट मिलती रहे और आप हमेशा उन चीजों के लिए अप टू डेट रहे। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के प्राइस पे कि क्या लग रहा है बिटकॉइन का प्राइस। हर कोई सोच रहा था अक्टूबर आएगा तो बिटकॉइन में थोड़ा सा बुल रन देखने को मिलेगा मिड ऑफ अक्टूबर के बाद में, और एक एक फ्लैश जो है बाइंग हुई थी, एक बल्क बाइंग हुई थी आप देख सकते हैं, जिसने बिटकॉइन को जो है ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार डॉलर तक पहुंचा दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन का प्राइस दोबारा से जो है 6,000-6,500 डॉलर के बीच में आ गया। तो अभी आप देखोगे, अगर एक जो सर्वे निकल के आ रहा है, रिसर्च निकल के आ रही है कि जो वर्ल्ड के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं या जितने भी स्टॉक्स हैं उससे ज़्यादा स्टेबल इस टाइम पे बिटकॉइन हो गया, और सबसे ज़्यादा बदनाम था बिटकॉइन इसी चीज़ के लिए कि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत जो है ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। और अब आप इसकी परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने से 6,000-6,500 डॉलर के बीच में घूम रहा है। लेकिन अभी क्या लग रहा है, 6,850 जैसे कि हम आपको बता रहे हैं एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है और इसको ये ब्रेक करना जरूरी है अगर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक नया उछाल देख सकते हैं। लेकिन बहुत जो अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही हैं क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन को लेके, तो उससे जो है कहीं ना कहीं माहौल बन रहा है, क्या है वो बैक्ट हो, क्या है फिडेलिटी हो, चाइना से भी एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आई है। तो दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ज्यादातर जो बड़े मेजर माइनिंग फार्म्स हैं वो चाइना में लगे हुए हैं और वहां पे बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना या ट्रेड करना अब जो है मर्चेंट वहां के कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव आएंगे। वहां की कोर्ट ने यह फैसला लिया है एक केस के मैटर में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जिसमें बिटकॉइन का लेना देना किया था, लेकिन गवर्नमेंट, जब चाइनीज गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था उसके बाद वो इशू आया था। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और बहुत बड़ी बात आप कह सकते हैं, अगर चाइना इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया तो एक जो है आप पीछे आपने देखा होगा जब चाइना इन्वॉल्व था तो कितनी हाइप हुई थी, दोबारा से अगर चाइना इन्वॉल्व हो गया तो कितना जो है इसके अंदर ड्रास्टिक चेंज आ सकता है वॉल्यूम में और प्राइस के अंदर। साथ आपको बता दें कोरिया के अंदर भी जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि दोबारा से जो है इंटरेस्ट जाग रहा है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेकर। और एशिया के अंदर अगर ये पॉजिटिव न्यूज आने लगी और साथ के साथ जैसे इंडिया में 2 हफ्ते का समय दिया है गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताने के लिए कि क्या डिसीजन है, क्या टेक है आपका, अगर वहां से भी पॉजिटिव आ गया तो एशिया दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, अगर एक्टिव होगा तो हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस एक नए उछाल पे देखने को मिले आने वाले कुछ टाइम के अंदर। साथ के साथ एक और बड़ी बात आपको बता दें, जो वीजा के सीईओ हैं उन्होंने भी जो है एक पॉजिटिव साइन दिखाया है क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन को लेकर। उन्होंने बोला है कि शॉर्ट टर्म में जो है, आपको सबको पता है कि वीजा जो है कोई छोटा मोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा ग्लोबल पेमेंट जाइंट है, उसके थ्रू बहुत सारी लाखों ट्रांजेक्शन्स होती हैं अरबों खरबों की। तो उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म के लिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है, मिड टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन हाँ अगर हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि अभी जो है वो समझते हैं कि वो ज्यादातर कमोडिटी समझते हैं ना कि एक पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट, और ज्यादातर कंट्रीज के अंदर इसको एज अ कमोडिटी ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि इतनी बड़ी जो पेमेंट, जो आप कह सकते हैं ग्लोबल कंपनी है जो पेमेंट का लेना देना कराती है, वो भी इसको एडॉप्ट करने के लिए एग्री करती हैं फ्यूचर के अंदर अगर जरूरत पड़ी, तो एक बहुत बड़ी बात है। साथ के आपको बता दें मास्टर कार्ड बहुत सारे पेटेंट करा रहे हैं इस चीज को लेके, तो इन चीजों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ के साथ एक और बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, इंडिया में तो लीगल होगा कि नहीं होगा वो तो अभी टाइम बता देगा, आने वाला कुछ टाइम के अंदर शायद इसी साल में बदल जाएगा, लेकिन यूक्रेन की जो है गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने का फैसला ले लिया है और वहां पर जो है ऑलमोस्ट 2 स्टेजेस के अंदर इसको लीगल कर दिया जाएगा। और न्यूज जो निकल के आ रही है 2021 तक जो है सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट यूक्रेन के अंदर लीगल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो है और बहुत सारी कंट्री अडॉप्ट कर रही हैं, लीगल कर रही हैं, आपको हमें नहीं भूलना चाहिए, ज़्यादातर यूरोप की कंट्रीज़ हो या अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, वहाँ पे ये एज अ लीगल ऑलरेडी जो है
ट्रीट किया जाता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को। तो अभी जो है हम कुछ जो कंट्रीज हैं जिनको एक जो है अच्छा सा स्टेप लेना चाहिए इस चीज़ को लेके, और बहुत जल्दी इस पर डिसीजन आना चाहिए। साथ के साथ एक और बहुत बड़ी बात बता दें, बहुत लोगों की क्वेरी थी कि सिया कॉइन का सर क्या हो रहा है, तो आपको सबसे पहले बता दें सिया कॉइन की बात करें तो आज जो बहुत बड़ी खबर है कि वो जो सिया कॉइन का प्राइस चल रहा है वो 111-112 चल रहा है। अब बहुत सारे लोगों का जो क्वेरीज आती है कि सर हार्ड फोक से क्या नया कॉइन मिलेगा, तो आपको बता दें ये एक अपडेशन का हार्ड फोक है, इससे हमें कोई एक्स्ट्रा कॉइन नहीं मिलने वाला है, इससे कॉइन का लेना देना कुछ नहीं है। आप जिस एक्सचेंज पे रखा हुआ है बस ये ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जिस एक्सचेंज पे या जिस वॉलेट के अंदर है क्या वो सपोर्ट करता है इस कॉइन को, तो आपको बता दें उन्होंने एक लिस्ट जारी करी है और आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपके उस एक्सचेंज पे है कि नहीं। अगर जैसे कि बाइनेंस है, बाइनेंस इसको सपोर्ट कर रहा है हार्ड फोक को, बिटट्रैक सपोर्ट कर रहा है, बिट सपोर्ट कर रहा है, पॉलिनेक्स सपोर्ट कर रहा है, एल बैंक सपोर्ट कर रहा है, वर्ल्ड कॉइन कर रहा है, लेकिन जो दो तीन जो मेजर एक्सचेंजेस हैं जैसे OKX, HitBC, BTC और कॉइनएक्स हो गया, BitBNS हो गया, इनका अभी जो कोई रिस्पॉन्स नहीं और पेंडिंग है उन पे कि वो अभी डिसाइड नहीं किया है। तो बहुत ज़रूरी है अगर आपका उन एक्सचेंजेस पे है तो दूसरे एक्सचेंज पे शिफ्ट कर लिए, नहीं तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो टारगेट की बात कर रहा हूँ सिया कॉइन की, हमें लगता है कि जैसी डेवलपमेंट है और जो अपडेशन आ रही है स्ट्रांगली, तो एक जो टारगेट आ रहा है 150 सटोशी, उसके बाद 200 सटोशी का इसका टारगेट निकल के आ रहा है और 240 सटोशी तक ये जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये 350-400 सटोशी जाना चाहिए जब ये बुल रन आएगा। दोस्तों आज एक सैड न्यूज़ भी आई है और आपको बता दें कनाडा का एक एक्सचेंज है बिटकॉइन एक्सचेंज, वो हैक हो गया और जितने भी उसके पास बिटकॉइन थे वो जो है हैकर्स ने चुरा लिए हैं। शर्म आनी चाहिए यार हैकर्स को, इससे क्या होता है मार्केट ख़राब होती है और कहीं ना कहीं इस चीज़ से सेंटिमेंट्स बिगड़ते हैं। और उन्होंने फाइनली कहा है कि वो जो एक्सचेंज ने कहा है कि वो जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अगर कुछ होगा तो हम जो है आपको करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले कि जिसका भी जो भी बिटकॉइन था उसको रिफंड नहीं कर सकते हैं, तो उनकी एक मजबूरी है। और लेकिन कहीं ना कहीं एक सैड न्यूज़ है और जो एक्सचेंजेस हैं उनको और ध्यान देना चाहिए। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर कोई एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक्सचेंज को यूज़ कीजिए, नहीं तो अपने पर्सनल वॉलेट में, हार्डवेयर वॉलेट में आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी रखनी चाहिए। एक और साथ के साथ इससे रिलेटेड न्यूज़ बता दूँ कि ऐसे एक्सचेंजेस को क्या बेनिफिट होने वाला है, Coinbase जो कि वर्ल्ड का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज माना जाता है, उसको जो है कस्टोडियल सर्विसेज की जो है लाइसेंस मिल गया है। और इससे कहीं ना कहीं इन एक्सचेंजेस को फायदा होगा कि अगर मान लो अगर वो क्रिप्टो करेंसी को वहां रखते हैं तो इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी, जैसे ये एक्सचेंजेस हैं हैक हो गए हैं तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी Coinbase पे आ जाएगी या जो भी ऐसी कस्टडी वाली सर्विसेज देंगे। तो इनको जो लाइसेंस मिला है, अप्रूवल मिला है, वो न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस से मिला है और एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जो एक्सचेंजेस हैं उनको राहत मिलेगी और उनका एक डर खत्म होगा कि वो हैक हो गए तो उनकी जिम्मेवारी क्या कौन लेगा और कैसे लेगा। और साथ के साथ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि डरते थे इन्हीं चीज़ों से कि कोई हैक ना हो जाए या अगर हमें एक रखना पड़ा तो हम कहाँ रखेंगे, कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर हो सकती है। और कहीं ना कहीं इससे जो है बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि जो सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न था। तो दोस्तों ये थी सारी न्यूज़ और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसी न्यूज़ निकल के आ रही है पॉजिटिव, कहीं चाइना से ले लो, एशिया से ले लो, यूरोप से ले लो, और बैक्ट की बात करें, फेडेलिटी की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हो रही हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, गूगल पे सर्चेस बढ़ रही है, तो ये जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत अच्छे हैं और नया उछाल देखने को जल्दी मिल सकता है। अक्टूबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, हम सब आस लगा के बैठे थे कि कुछ देखने को मिले, लेकिन नवंबर दिसंबर आप कह सकते हो कि ज़रूर देखने को मिलेगा क्योंकि जो सेंटिमेंट्स निकल के आ रहे हैं हर जगह से आप देख सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जल्दी ही आपको जो हम उम्मीद लगा के बैठे हैं एक नए उछाल के साथ में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड न्यूज़ अपडेट आपको फटाफट मिलती रहे। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि न्यूज़ अपडेट हम वहाँ पर रेगुलर दे रहे हैं जब भी हमें कोई न्यूज़ मिलती है, यहाँ पर बनाने में वीडियो थोड़ा टाइम लगता है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको फेसबुक, ट्विटर जहाँ आपका मन करे इसको शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ, आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए, जय हिंद।